सो क्लास 7 वी आर डूइंग द असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 27। और हमने क्या कहा कि जो असर्शन है वो ट्रू है, रीजन ट्रू है, एंड रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन। कौन सी ऑप्शन आ जाएगी? ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। वेरी गुड अपूर्वा, बैठो बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाते हैं 7C, समीर। 7C समीर, अपने असाइनमेंट लेकर आओ बेटा। बेटा पहले ये बताओ बच्चे कि जो हमारा रेनी सीजन है जुलाई में आता है बच्चे, है ना, जुलाई अगस्त में रेनी सीजन जो हमारा है बेटा, उसमें कंडीशंस क्या होती है? हॉट होती है कि कोल्ड होती है? हमारा जो जुलाई में आता है, गर्मी होती है कि सर्दी होती है उस टाइम? सर्दी सर्दी होती है जुलाई अगस्त में, ठंड है, कांप रहे होते हो आप। गर्मी समर्स होती है, हॉट होता है कि कोल्ड होता है? होती हॉट होता है। रेनी सीजन में, हमारे रेनी सीजन में इट इज हॉट, और साथ में मॉइस्ट है कि ड्राई है? बस मॉइस्ट, हॉट एंड मॉइस्ट, राइट। और बेटा आपने कभी देखा है कि सबने मुझे हाथ खड़े करके बताने हैं कि कभी आपने ये ऑब्जर्व किया है कि अगर आपके शूज बरसातों में शू रैक में पड़े हो और उसके बाद आप बरसातों के बाद निकालो उसमें, तो उसके अंदर हरी हरी सी लेयर जम जाती है। हैव यू एवर ऑब्जर्व? यस, 7C में ऑब्जर्व किया है। बाकी किसने? रेज योर हैंड जिसने ऑब्जर्व किया ये। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत। तो वो लेयर, हैंड्स डाउन, वो लेयर किसकी है? वो लेयर फंगस की है। और बहुत सारे मशरूम्स है, जंगल में कहीं जाओगे, पहाड़ी जगह पे जाओगे, रेनी सीजन में बहुत सारे मशरूम्स होते हैं, राइट। तो हाँ जी बेटा समीर, मुझे ये बताओ कि ये स्टेटमेंट ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ मशरूम्स अकर ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यस और नो? ट्रू की फॉल्स? ट्रू है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब इसको ऑन ऑफ नहीं करना, इसको रहने दो जैसा है। मशरूम बीइंग फंजाई प्रेफर वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस फॉर ग्रोथ, ट्रू की फॉल्स? ट्रू ये भी ट्रू है। तो अब मुझे ये बताइए, असर्शन है मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ मशरूम अकर ड्यूरिंग द रेनी सीजन बिकॉज मशरूम्स ग्रो, या मशरूम्स प्रेफर वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशंस फॉर ग्रोथ, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट? रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को? यस यस, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? आर इज अ करेक्टर आर एक्सप्लेन्स असर्शन। ए बी सी डी, इन चारों में से कौन सा आ जाएगा? ए ए आ जाएगा। वेरी गुड समीर, वी शुड क्लैप फॉर समीर। वेरी गुड, वेरी गुड, बैठो समीर, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाता है बेटा 7D में से। 7D में से आ जाइए बच्चे, युवल दिनेश कुमार। 7D, युवल दिनेश, आ जा बेटा, असाइनमेंट लेके आना है बेटा अपनी, आ जा बच्चे। अब ये आ जाता है बेटा पैरासाइट, देख ध्यान से पढ़ अपना, मैं भी पढ़ रही हूँ, सुनना ध्यान से। पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट ग्रोज ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑब्टेन्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम होस्ट। अ पैरासाइट ओनली हार्म्स द होस्ट एंड डज नॉट प्रोवाइड एनी बेनिफिट टू द होस्ट। पैरासाइट उसको कहते हैं जो दूसरे को हार्म ही करता है, नुकसान ही देता है, जबकि सिम्बियोसिस ऐसी होती है जब दो पार्टनर साथ रहे बट दोनों एक दूसरे को फायदा दे। ठीक है, इन माइकोराइजा फंजाई इज ए पैरासाइट ऑन होस्ट प्लांट। ये ठीक है कि गलत है? मैं तुम्हें थोड़ा सा माइकोराइजा के बारे में बता दूं ताकि तुम्हें क्लियर हो। ये प्लांट है, ये इसकी रूट्स है। ठीक है, तो माइकोराइजा क्या है बेटा? एसोसिएशन ऑफ,
एसोसिएशन ऑफ फंजाए किसके साथ? रूट्स ऑफ प्लांट्स। ये फंगस है, ये जो ब्लू कलर की है ये फंगस है, ये किसके किस में रह रही है? रूट्स ऑफ प्लांट्स में। और मैं आपको ये बता दूं कि फंगस जो है ये क्या कर रही है, ये प्लांट्स को बहुत ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रही है, ये एक पुलिसमैन एक्ट कर रही है, ड्यू टू विच इट प्रोटेक्ट्स प्लांट फ्रॉम डिजीजेस। इज इट ओके युवल? Yes. ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि माइकोराइजा, मैंने बता दिया माइकोराइजा इन दोनों की एसोसिएशन को बोलते हैं, इसको बोलते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा फंजाई इज पैरासाइट ऑन द होस्ट प्लांट। मुझे अब ये बताओ कि क्या ये फंगस पैरासाइट है? पैरासाइट प्लांट को नुकसान पहुंचाता है, फायदा नहीं, बट क्या माइकोराइजा में फंगस पैरासाइट है कि सिम्बियॉन्ट है? सिम्बायोट सिम्बियॉन्ट है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू। देख सुन, क्या स्टेटमेंट है कि इन माइकोराइजा फंजाई इज पैरासाइट, आपने कहा फंजाई सिम्बियॉन्ट है, यहाँ पे कह रहा है पैरासाइट है, तो अब बताओ ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स फॉल्स। हो गई। रीजन है फंजाई हेल्प द प्लांट टू एब्जॉर्ब मोर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। ये ठीक है कि गलत है? ट्रू है। तो अगर असर्शन गलत है, इफ असर्शन की स्टेटमेंट गलत है, रीजन की स्टेटमेंट ट्रू है, तो कौन सा आंसर आएगा बच्चे? नहीं, इन चारों में से ए बी सी डी, इन चारों में से कौन सा आंसर आएगा? इफ असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट। इन चारों में से देखो कहां पे असर्शन करेक्ट, रीजन रॉन्ग। ए बी सी के डी, जी सी बिल्कुल ठीक है। ये देखो, अगर आपने सी कहा है तो बिल्कुल ठीक है, असर्शन इज करेक्ट, बट रीजन इज नहीं। ठीक आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, नॉट दिस वन। डी, असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। ओके युवल, समझ में आई बेटा? यस। चलिए बैठो। सेवंथ ई, प्रिंस। ये कल मैंने कहा था कि मैंने पूछना इनसे। सेवंथ ई प्रिंस, मैम आई प्रिंस इज नॉट देयर। मैम प्रिंस इज एब्सेंट, फिर मानव आ जाओ। मानव अपनी असाइनमेंट लेकर आना है बेटा, असाइनमेंट लेके, असाइनमेंट लेकर आ बच्चे, आ जा बेटा। एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम, मानव बेटा राइजोबियम का नाम सुना है? मानव राइजोबियम क्या करता है प्लांट के लिए? कार्बन फिक्स करता है कि नाइट्रोजन फिक्स करता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिक्स करता है। तो प्लांट इसको शेल्टर देता है और राइजोबियम प्लांट को नाइट्रोजन देता है। इस एसोसिएशन को क्या कहेंगे, सिम्बियोटिक कहेंगे कि पैरासाइट कहेंगे बेटा? जब दोनों को फायदा, सिम्बायोटिक। सिम्बियोटिक। सिम्बायोटिक। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब मुझे ये बताइए बेटा, एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम विद लेग्यूमिनस प्लांट्स इज म्यूचुअली बेनिफिशियल, ट्रू की फॉल्स? ट्रू। ट्रू है, बिल्कुल बात ठीक है। तो असर्शन हम कहेंगे कि ट्रू है। रीजन है बच्चे, राइजोबियम प्रोवाइड नाइट्रोजन प्लांट्स एंड इन टर्न ऑब्टेन्स शेल्टर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट। इज इट ट्रू और फॉल्स? दिस इज आल्सो ट्रू। तो अब मुझे ये बताइए नेक्स्ट, दोनों स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल ट्रू है, करेक्ट है। क्या असर्शन, अगर हम कह से एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम विद दिस इज म्यूचुअली बेनिफिशियल बिकॉज राइजोबियम प्रोवाइड्स नाइट्रोजन एंड ऑब्टेन्स शेल्टर, क्या रीजन एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को? यस, आंसर क्या आ जाएगा बेटा? ए बी ए। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, हैव ए क्लैपिंग फॉर मानव। मानव नहीं, प्रिंस है, नहीं मानव है ना, योर मानव ना,
यस, वेरी गुड वेरी गुड मानव, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। बैठो बेटा, चलिए जी नेक्स्ट आ जाइए, सेवंथ एफ, हर्षिता। सेवंथ एफ हर्षिता, असाइनमेंट लेके बेटा। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स बाय फोटोसिंथेसिस, बट हाउ डू प्लांट्स, ये डू लिख लेना, डीओ, डू प्लांट सिंथेसाइज देयर प्रोटीन्स। यस हर्षिता, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। मैम ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है, प्लांट्स मॉडिफाई कार्बोहाइड्रेट्स एंड देन ऐड नाइट्रोजन टू फॉर्म प्रोटीन्स। वेरी गुड हर्षिता, वेरी गुड, आई मस्ट क्लैप फॉर यू कि आपने ये आंसर याद रखा। आई होप किसी और ने नहीं बताया, हर्षिता आपने खुद बताया बेटा। यस वेरी गुड हर्षिता, वेरी गुड। सो ऑप्शन सी इज, ऑप्शन बी इज बीटा, प्लांट्स मॉडिफाई कार्बोहाइड्रेट्स एंड देन एड्स नाइट्रोजन टू फॉर्म प्रोटीन्स। वेरी गुड। चलिए जी नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी, सेवंथ जी, तेजस्वी। सेवंथ जी तेजस्वी, असाइनमेंट लेकर आओ बेटा। नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर का कौन कौन सा आंसर आया? ट्रू नहीं ट्रू नहीं बेटा, मल्टीपल इसकी तो मल्टीपल चॉइस, चॉइस 33 क्वेश्चन बेटा। बेटा। एक मिनट माइक ऑफ करो, या चलो माइक ऑफ ही अब। चलिए जी, तो हम बेटा क्वेश्चन कर रहे थे, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप, इट इज, आंसर इज, यस, कौन सा स्टूडेंट था आया हुआ? सेवंथ जी। हाँ सेवेंथ जी तेजस्वी एंड जी बेटा बोलो। टोमेटो? टोमेटो। क्यों बेटा? इसमें से बेटा मुझे ये बताओ कि लेग्यूमिनस प्लांट कौन सा है? वीट, राइस, सोयाबीन, टोमेटो, इसमें से दाल कौन सी है? सोयाबीन। सोयाबीन राइजोबियम किसकी रूट्स में रहता है, टोमेटो की कि लेग्यूम्स की? लेग्यूम्स लेग्यूम्स की। तो नाइट्रोजन राइजोबियम जो है नीचे बेटा, हैंड्स डाउन, एकदम एकदम इधर देखो, क्योंकि राइजोबियम ही प्लांट को नाइट्रोजन देता है, तो हमें नाइट्रोजन ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। इज इट ओके? ठीक है, सो आंसर इज, बैठो बेटा, सो क्वेश्चन नंबर 33, आंसर इज सोयाबीन। सोयाबीन हो, मटर हो, पी हो, ग्राम हो, कुछ भी हो, ये सब लेग्यूमिनस क्रॉप्स है, इनमें बैक्टीरिया ही नाइट्रोजन दे देता है प्लांट को। सेवन बी बेटा, क्लास में बैठो बेटा, बैठ जाओ, इधर उधर मूव मत करो। सो दैट्स व्हाई इट्स आंसर इज सोयाबीन। हाँ जी मैम 31st क्वेश्चन इज लेफ्ट। बेटा, 31st मैंने बताया था, प्लांट कैन सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स, ये वाला मैम नो नाइट्रोजन वाला। मैम नाइट्रोजन इज एन इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट यस। बेटा, ये आंसर हमने बताया था कि नाइट्रोजन इज एन इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट बिकॉज नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सो आंसर इज ए। यस मैम ओके थैंक यू। ठीक है, यस नेक्स्ट आ जाता है बेटा, क्रॉप्स रिक्वायर नाइट्रोजन टू सिंथेसाइज देयर प्रोटीन्स। हाँ, द बैक्टीरियम राइजोबियम हेल्प सम क्रॉप्स टू गेट नाइट्रोजन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, रॉन्ग कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट रिगार्डिंग राइजोबियम? हाँ जी, समृद्धि, सेवंथ एफ, हाँ
मैम इट विल बी बी पार्ट। यस इट इज बीटा, इट कैन मेक इट्स ओन प्रोटीन, दिस इज इनकरेक्ट। वेरी गुड समृद्धि, बैठो बेटा। इट इज इनकरेक्ट बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, द प्लांट्स कैन मेक इट्स ओन फूड, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ ई, दैट इज अर्शिया। अर्शिया इज देयर, सेवंथ ई। बेटा क्लास में डिस्टरबेंस नहीं, सेवंथ बी। यस हाँ जी अर्शिया, बेटा अर्शिया इज देयर, वो शायद सेक्शन वो हो गया, चलिए कोई बात नहीं। सेवंथ डी में से आ जाइए, प्रीतिका। हाँ जी प्रीतिका, असाइनमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंगस एंड अ ट्री आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर, फंजाई इज रिक्वेस्टिंग द ट्री टू गिव सम शेल्टर बट द ट्री रिफ्यूजेस बिकॉज इट इज फियरफुल ऑफ सम डिजीज। फंजाई टोल्ड समथिंग टू ए ट्री आफ्टर विच द ट्री गेव होम टू फंजाई इन इट्स रूट्स, व्हाट डिड द फंजाई टेल द ट्री। उसने उसको धमकाया कि उसने समझाया कि मैं तुम्हें कुछ दे दूंगी, या उसने कहा नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी, क्या कहा होगा। क्या आंसर आएगा बेटा, मुझे सुना नहीं, अगर आपने कुछ कहा। हम सी ट्री विल गेट मोर वाटर, ये भी ठीक है बेटा। ट्री विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीज ऑल्सो, माइकोराइजा मैंने समझाया है, और आंसर ए भी ठीक है। सो आंसर इज डी, डेल्टा। ठीक है जी, बैठो बेटा, आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट आ जाइए जी, सेवंथ सी, हरलीन। सेवंथ सी हरलीन, हरलीन इज देयर बेटा। चलो नहीं है हरलीन, कोई बात नहीं। सेवन सी कार्तिक, अच्छा हरलीन आ गई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऑन कर दो। हाँ जी बेटा, फार्मर वन हैज मोर लैंड, ही ग्रोज ओनली वीट एंड राइस बट स्टिल हैज लेस इनकम देन फार्मर टू, हु हैज लेस लैंड। फार्मर टू ग्रोज वीट अलोंग विद बीन्स, द रीजन इज, वीट के साथ वो बीन्स भी ग्रो करते हैं, क्या रीजन होगा बेटा। फार्मर टू को उसकी लैंड भी कम है बट फिर भी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, क्यों। तो देखो सेवंथ डी में से कितने हैंड्स रेज्ड है, लेट मी आस्क हरलीन। हाँ जी बेटा, ऑप्शन आंसर इज ए, वीट एंड राइस बोथ कंज्यूम न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। बट अगला भी देखो बेटा, वीट कंज्यूम न्यूट्रिएंट्स बट बीन एड नाइट्रोजन टू द सॉइल। फिर सी है, रूट्स ऑफ बीन्स आर एसोसिएटेड विद ऑक्सीजन, ये तो गलत है ना, नाइट्रोजन फिक्सिंग राइजोबियम। ए और बी में से सबसे ज्यादा करेक्ट क्या है, बी बी आएगा इसका आंसर, कि भाई वीट तो न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करता है बट बीन्स जो है वो नाइट्रोजन ऐड करता है। वेरी गुड बेटा, बैठो बैठिए। नेक्स्ट आ जाता है बेटा, सेवंथ ए, नितिन दीप। सेवंथ ए नितिन दीप, मैम यस हाँ जी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम एन ऑर्गेनिज्म दैट इज फॉर्मड ऑफ टू पार्टनर्स, वन ऑफ द पार्टनर फॉर्म्स ए शेल्टर एंड द अदर पार्टनर गिव्स फूड, तो बताइए कौन हो, व्हाट इज एम। मैम ए माइकोराइजा, बिल्कुल ठीक है, ट्री एंड फंजाई बेटा, बट सी भी ठीक है, लाइकन फॉर्मड बाय एल्गी एंड फंजाई। ए एंड सी दोनों आंसर्स करेक्ट है, इज इट ओके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37, ए एंड सी बोथ आंसर्स आर करेक्ट, सो दिस इज ऑल अबाउट, नहीं एक केस बेस्ड है। ओके बैठो बेटा बैठो,
यस, ये अब हाथ खड़ा करो, ये आप पढ़ी लोगे क्या है, द एब्जॉर्बेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन बाई प्लांट्स इज, यस, सेवंथ डी, फर्स्ट गर्ल। ऑन करो माइक। हाँ, नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स, वेरी गुड वेरी गुड। द सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इज, रेज योर हैंड्स। यस, सेवंथ एफ, फर्स्ट बॉय। हाँ जी बोलो, राइजोबियम। राइजोबियम, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, सोयल से नहीं, एयर से करते हैं। यस, हु विल टेल, रेज योर हैंड्स। हाँ जी बेटा, सेवंथ ई, लास्ट क्वेश्चन, केस बेस्ड। मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ सेवंथ ई को, केस बेस्ड क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन। फर्स्ट का ए है, सेकंड का ए है, नहीं आई एम सॉरी, फर्स्ट का बीटा है नाइट्रेट, सेकंड का ए है, थर्ड का बताना है बेटा, सेवंथ ई। रेज योर हैंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ओनली एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, सेवंथ ई। यस, देर इज वन बॉय ऑन द फर्स्ट बेंच। यस, मैम डी। डी, ओनली नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। वेरी गुड वेरी गुड। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब मुझे बेटा, कोई सा स्टूडेंट, आपने ये पूरा चैप्टर किया, कोई सा स्टूडेंट वॉलंटरीली आके, कोई वॉलंटरी आके बोल सकता है इस चैप्टर में आपने नया क्या सीखा? रेज योर हैंड, एनीबडी हु वांट्स टू स्पीक। हाँ जी बेटा, आओ आओ जल्दी से, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट जरा। हाँ जी बेटा, एनी स्टूडेंट हु वांट टू स्पीक, या सेवंथ डी में से एक स्टूडेंट है, आ जाओ आगे आ जाओ, सेवंथ डी, यस आगे आ जाओ बेटा। व्हाट यू हैव लर्न्ड, यहाँ पे आपको मजा आया कि नहीं आया पढ़ के मुझसे? मैम यस, बहुत मजा आया। अच्छा, क्या चीज आपको नई, क्या चीज, या आपकी अच्छी तरह से ये चैप्टर की रिवीजन होगी, कोई नई चीज आपको पता चली, क्या पता चला? मैम ये कि सम बैक्टीरिया प्लांट्स के साथ डील कर प्लांट्स उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, और वह जो जो बैक्टीरिया है वह उन्हें वाटर, एक्स्ट्रा वाटर प्रोवाइड करता है। और प्रोटेक्शन भी देता है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। बैठो बेटा, तो एवरीबॉडी टेल मी, डिड यू एंजॉय द क्लास? अब जो टेस्ट होगा आपका, विल यू गेट, इसी में से बेटा टेस्ट का, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आ सकते जितने हमने आपको करवा दिए हैं, इन्हीं में से ही थोड़ा सा चेंज हो गया थोड़ा बहुत, तो विल यू गेट, आर यू एबल टू डू 100% ऑफ एमसीक्यूज? चलिए चलिए, ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स खत्म हो गया है, कल हम एसिड बेसिस करेंगे, एंड आई होप यू शुड रिवाइज दिस, ठीक है? ठीक है, चलिए, ओके बेटा, बाय बाय। थैंक यू मैम, बाय थैंक यू टीचर्स। बाय बेटा, बाय बाय।